अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। तारिकीन वतन मजदूरों ने अपने आबाई शहरों और देहातों को वापस जाने के लिए दिल्ली के बीच में आने वाले टर्मिनल्स पर कतारें लगाना शुरू कर दी हैं। दारुल हुकूमत से फरार होने वाले अफराद को इस तरह की लॉकडाउन की किस्म की वापसी का खदशा है, जो गुज़िश्ता साल मार्च में रातों रात मुसल्लत किया गया था। इस फैसले के नतीजे में मुल्क भर के बड़े शहरों से आने वाले तारिकीन वतन मजदूरों की ज़बरदस्त और जानलेवा इनखला हुआ था। दूसरी तरफ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक और मुकम्मल लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इनके अल्फाज ने परेशानी को दूर करने के लिए बहुत कम काम किया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9434-8। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की 24 घंटों तक महम पर पाबंदी के बाद मगरबी बंगाल की वजीर आला और टीएमसी की ममता बनर्जी मंगल 13 अप्रैल को शहर के वस्त में इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी फैसले के खिलाफ एहतजाज करने के लिए धरने पर बैठ गईं। पाबंदी 13 अप्रैल को 8 बजे ख़त्म होगी। करीब टीएमसी कायदीन या हामियों को नहीं देखा गया। टीएमसी के एक सीनियर रहनुमा से राबता किया गया तो इन्होंने कहा, एहतजाज के मुकाम के करीब किसी भी पार्टी रहनुमा की इजाज़त नहीं है, वो वहाँ अकेली बैठी हैं। मरकजी अफवाज के खिलाफ अपने तबसरे और इस बयान पर, जिसने मुबीना तौर पर मजहबी दबाव डाले थे, इलेक्शन कमीशन ने बनर्जी को सोमवार 8 बजे से शाम 8 बजे तक 24 घंटे महम चलाने से रोक दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहां 17 अप्रैल को निगाह ऑडिटोरियम में होंगे। तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर सकेश कुमार जैन और बीजेपी के मुतअद्दिद कायदीन ने जाए वकू का दौरा किया। वाज़े रहे कि भूमि पूजन रवायती अंदाज में 12 अप्रैल को किया गया था। सांतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक कुल्टी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने मंगल के रोज 104 नंबर वार्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में घर घर जाकर अवामी राबता महम चलाई। इस दौरान इन्होंने कहा कि हमारे वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि इस बार 200 को अबूर कर लें। ये पूरे बंगाल के साथ कुल्टी में भी नज़र आता है। कहा कि कुल्टी की अवाम अब फंसने के मूड में नहीं है। इन्होंने अपनी कुल्टी की तरक्की की अज़म का आदा किया और कहा कि मौजूदा MLA ने कुल्टी के साथ धोखा किया है। यहाँ के लोग तब्दीली चाहते हैं और तब्दीलियाँ करते रहेंगे। नंबर 105 वार्ड के कुल्टी असेंबली हलका से ताल्लुक रखने वाले तृणमूल के उम्मीदवार सबकदोश MLA अजवाल चैटर्जी की हिमायत में पोस्टर फाड़कर बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा कि मैं हर गांव में घूम रहा हूं, कई जगहों पर पोस्टर फटे हुए पाए गए। हो सकता है कि बच्चों ने पोस्टर फाड़ दिया हो। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। बहुत से जगहों पर दीवार ठोस नहीं है या अच्छी नहीं है। खुद पोस्टर उखाड़े हुए हैं या गिर रहे हैं। मामले के बारे में तृणमूल ने इंतखाबी कमिश्नर की शिकायत के मामले पर बताया कि कहां जाना है, जिसने इनकार कर दिया है। इत्तेफाकी तौर पर तृणमूल कांग्रेस के यूथ रहनुमा अभिषेक चक्रवर्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि दीसलगढ़ कलबन मोड़ के मौके पर अजवाल चैटर्जी की हिमायत में लगाए गए बैनर्स को फाड़ दिया गया। तृणमूल की जानिब से मुकामी इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट भी दी गई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बोलो संतोषी माता की जय। बोलो बोलो संतोषी माता की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। डॉक्टर साहब, बड़ी हर्ष की बात है कि आप यहाँ घर घर में घूम रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है पोजीशन?
पोजीशन तो क्या बोलेंगे, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी पहले ही बोल चुके हैं इस बार 200 पार। वो जो असर है वो पूरे बंगाल के साथ में कुल्टी में भी दिखाई पड़ रहा है। कुल्टी की जनता जिस मिजाज के साथ खड़ी है वो अब बक्सी। लाडोहा फरीदपुर ब्लॉक के गांव कैलाशपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग लग गई और गोलियों से फायरिंग की गई। पांडेश्वर असेंबली के लाडोहा फरीदपुर ब्लॉक के इलाके कैलाशपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता शेख गया सुदेन के घर में तोड़फोड़ की गई। इस वाक्य के बाद इलाके में कशीदगी की सूरत हाल है। लाडोहा फरीदपुर पुलिस का वाक्य स्टेशन पहुंचने और सूरत हाल से निपटने के लिए पांडेश्वर असेंबली हलका से बीजेपी के उम्मीदवार जतिंदर कुमार तिवारी ने मौके का दौरा किया। बीजेपी के उम्मीदवार जतिंदर तिवारी ने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के सरपसंद रोजाना बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि सोमवार की सपहर तकरीबन 1:30 बजे बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ की गई और इसे आग लगा दी गई। तृणमूल ने इल्ज़ाम की तरदीद की है। तृणमूल के कार्यकर्ता जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं कि ये वाकया बीजेपी के धड़ेबंदी की वजह से पेश आया है जिसने पूरे इलाके में सियासी तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आवाज आसछे खूब जोर आवाज आसछे ओई चले गेलो चले गेलो पुड़ी गेलो पुड़ी गेलो ताकत ताकत ओई गुल्ली आवाज आमरा तो बेरेछि ना भये पाड़ार लोक हो हल्ला करे कयेकजन लोक छिलो 7-8 জন ओरा गुल्ली करते करते पलाई तारपर आगुन बस्ता गेलो आरो किछु घर बाड़ी किछु जिनिसपत्र उपरे आगुन लागिछे कलाई चाल डाल ये सर्षे एगुलो सब छोड़ी दिएछे মিটার ছিল আর কিছু বক্স টক্স ছিল সব ভেঙে দিয়েছে। আপনি দেখেছিলেন কারা বা চিনতে পেরেছিলেন? না, আপনারা জানেন যে গতকালই আমি প্রচার করতে এসেছি যেহেতু এটা মাইনরিটি অধ্যুষিত গ্রাম। এবার এখানে বেশ কিছু আমাদের ছেলেরা ভারতীয় জনতা পার্টি করছে, তাদের হলো যে না মুসলিম হলে বিজেপি করা যাবে না, আমার দাদাগিরি তাদের। আর আমাদের ছেলেরা যেহেতু করেছে দেখুন তাদের ঘরে আগুন লাগিয়েছে গুলি চালিয়েছে কী অবস্থা করেছে। একদিন নির্বাচনে দেখলাম না যে শান্তিতে পাণ্ডব প্রত্যেক দিন যেদিন থেকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নাম ঘোষণা হয়েছে সেদিন থেকে প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও শান্তি। এই দেখুন আজকে কি হলো, পুলিশের কাছে এফআইআর করা হচ্ছে দেখি। আর আমি যারা করছে তাদেরকে বলি যা করছেন করুন, ঠিক আছে। 2 তারিখের পর কী হবে সেটা মাথায় রাখবেন। 2 তারিখের পর সামলাতে পারবেন তো, এত অন্যায় করছেন সামলাতে পারবেন তো, এটা মাথায় রাখবেন। জোর করে করার চেষ্টা করে তো মানুষ তো ভয় পেয়ে কেউ মানুষ তো কারো গোলাম নয়, স্বাধীনভাবে মানুষ কাজ করতে চায়। মোদি যেটা বলেছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিকাশ মানে সবার বিকাশ। बाराबनी हलका असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार अरजीत राय अपनी वालदा के साथ नील पूजा के मौके पर कल्याणेश्वरी मंदिर पहुंचे, मां की पूजा की और वालदा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखला नरोत्तम मिश्रा ताजियत के लिए मां कल्याणेश्वरी के मंदिर पहुंचे। कल्याणेश्वरी के मंदिर में पूजा की अदायगी के बाद मंदिर के आस पास के तमाम देहात जामशरी नितिनपाड़ा अजय तेजनगर बाएं किनारे समेत मुख्तलिफ देहात में गए और घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। ढोल नगरी को बड़ी तादाद में हामियों के साथ खेलना, घर घर जाकर लोगों से अपील की के वो बीजेपी को वोट दे और तब्दीली के लिए हुकूमत बनाए। इन्होंने मजीद कहा कि इस खास दिन में खास जगह का माँ कल्याणेश्वरी के मंदिर में उपवास रखा जाए और पूजा की जाए और कल्याणेश्वरी के इलाके समेत मुख्तलिफ देहात में भी मुहिम चलाई जाए। लोगों में जोश व खरोश देखकर ऐसा लगता है कि इस वक्त रियासत बदल रही है, बस वक्त का इंतजार करें। इस मौके पर बीजेपी कायदीन मनोज तिवारी, सत्यनारायण राय, मुबेन खान, मनीष झा, ख्वातीन रहनुमा, मुनमुन भट्टाचार्य, सुभाशीष भट्टाचार्य, बाबुन मंडल, नुमाई राय समेत दर्जनों कारकुनान मौजूद थे। आज के
নীল ষষ্ঠীর পুণ্য লগ্নে আমাদের এই আমার এই বিধানসভার পবিত্র ভূমি মা কল্যাণেশ্বরীর মাটিতে আজকে এসে মায়ের পূজা অর্চনা করে মায়ের আশীর্বাদ নিলাম। এবং লড়াই তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আর আজকে এই কল্যাণেশ্বরী এলাকায় আমার প্রচার শুরু হচ্ছে এই সমস্ত পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামীণ এলাকায়। ওই জন্য আজকে মায়ের মাটিতে এসে প্রথমে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তারপর আমি প্রচার শুরু করছি। প্রচারে কীরকম সাড়া পাচ্ছেন? অভূতপূর্ব সাড়া, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা, মানুষের মানে যেটা কি বলবো, এতদিন 10 বছরে একটা যে কণ্ঠরোধ পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি থেকে মানুষ স্বাধীন হতে চাইছে আরেকবার, খোলা হওয়ায় শ্বাস নিয়ে বাংলার যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনে সামিল হতে চাইছে গ্রামের সয়সন। आजाद उम्मीदवार पुनूनिया का पैगाम, किसी पार्टी से लड़ना नहीं बल्कि अरजीत राय से लड़ना है। साबका किसान मोर्चा ब्लॉक सदर अभिजीत अधिकारी का ये बयान के अरजीत राय का नाम यकीनी तौर पर कोयला माफिया थोक की सुर्ख किताब में है। सलानपुर बाराबनी से आज़ाद उम्मीदवार पुनूनिया ने मंगल के रोज डेंडवाड़ के इलाके में वाक़ एक निजी एडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वो बीजेपी को आज़ाद उम्मीदवार बनने के लिए छोड़ चुके हैं। इन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 7 सालों से बीजेपी से वाबस्ता हैं। इन्होंने चोरों और ठगों को पकड़कर और पार्टी में शामिल होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इन लोगों के साथ रियासती सियासत करना नामुमकिन है, जिसके ख़िलाफ़ मैंने बहुत मुश्किल से जद्दोजहद की है। लिहाजा मैंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी उम्मीदवार अरजीत राय को शिकस्त देने के लिए आज़ाद उम्मीदवार बन गया। मेरी लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ अरजीत राय से है। बीजेपी में धड़ाधड़ बहुत है। मैं खुद सलानपुर ब्लॉक में किसान मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन आज मैंने पार्टी छोड़ दी और आज़ाद उम्मीदवार बन गया। साबका बीजेपी किसान मोर्चा ब्लॉक के सदर और इंतखाबी मबसर अभिजीत अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान बीजेपी में दहशतगर्दों का गढ़ बन गया है। बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद अरजीत राय का नाम सामने आया और एक के बाद एक गुंडा बीजेपी में शामिल हो रहा था। चुनांचा हमने बीजेपी को छोड़ दिया और तंजीम में शामिल हुए और पुनूनिया को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करके लड़ाई का आगाज़ किया। ये लड़ाई किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अरजीत राय के साथ है। आपने देखा कि बीजेपी ने एक ऐसे शख्स को नामजद किया है जिससे वाबस्ता बदउनवानी, अगर वो बदउनवानी के साथ है इसे शामिल नहीं किया जाता, लेकिन आपको इतना पैसा कहाँ से मिला? एक घर जिसमें लिफ्ट है, लाखों रुपये मालियत की एक कार, इसके अलावा आज प्रशांत बार, दिलीप पंज और बहुत सारे दीगर लोग मौजूद थे। कौन दलर है गाड़ी से? निर्दल है। क्या नो दलर लेने घोटे? घोटे गाड़ी से ये कारण है कि हमारे बीजेपी जो पार्टी जी घोषणा करी थी हमारे बीजेपी पार्टी और जिधर आए से पार्टी उस अभी हमारे पसंद नहीं ये कारण। आपने की बीजेपी करते हैं? करता हूँ। कौन पोस्टे छिले? किसान मोर्चा जी से। তারপর কী হলো? 2014 থেকে আমরা বিজেপি করে আসছি এবং দীর্ঘদিন দিয়ে লড়াই করে আসছি অন্য অন্য পার্টির বিরুদ্ধে। সেটা দেখবেন মানে থানা ঘেরাও বলুন বা রোড পথাপরোধ বলুন বা যে কোনো স্ট্রিট কর্নার দেখুন, আমার সব জায়গায় আছে। তো এখন অর্জিত রায় টিকিট পাওয়ার পর দেখছি ও অন্য অন্য तबस्सुम आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की साबिक डिप्टी मेयर ने कुल्टी में महात्मा गांधी मुजस्मा के करीब इलेक्शन कमीशन के जरिया सीएम ममता बनर्जी की इंतखाबी महम पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरा किया। मैडम आज के ये धरना दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने हमारी दीदी पर जो ये गंदा इल्ज़ाम लगाया कि कैसे वो इलेक्शन प्रचार नहीं करेगी, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर कोल्टी ब्लॉक, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, इस वजह से आज हम लोगों पे धरना पे बैठे हैं। हम बीजेपी वालों से एक ही बात कहना चाह रहे हैं, खासकर अब अपने प्रधानमंत्री को एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप कितने नीचे गिरिएगा प्रधानमंत्री जी, आप एक प्रधानमंत्री खुद को भूल जा रहे हैं कि आप क्या चीज़ है।
आप सीएम को भी बात करते हैं तो दीदी करके बोलते हैं, आपका लैंग्वेज भी सही नहीं है। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री है? आप हमारे सीएम को कितना पीछे पड़िएगा, और हमारे प्रधानमंत्री से ये भी कहेंगे कि आप कब तक और कितना लड़ते रहिएगा। आने वाले 2 तारीख को पूरे बंगाल आपको बता देगा कि हमारी दीदी की विजय हो रही, हमारी दीदी। शांति नगर वार्ड नंबर 68 में 13 अप्रैल सोमवार की शाम देर शाम तक टीएमसी के सबक दोषे मिले अजवाल चैटर्जी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मैंने इस इलाके को देखा है और यहाँ के तमाम मुश्किलात को देखा है। अब से मैं अपनी सतह से इस इलाके की तरक्की में किसी चीज़ को नहीं गिरने दूंगा। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मगरी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत तश्कील दी जा रही है और इस पर पूरी ताकीद के साथ इसे हैप्पी सिंह और अभिषेक की क्यादत में फरोख्त किया जाएगा। इससे कबल मौजजीन ने इन्हें स्टेज पर रखा और इसी टीएमसी के ज़िला सेक्रेटरी पप्पू सिंह ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि पूरे मगरी बंगाल में जिस तरह की फिजा पैदा हुई है इसके बावजूद रियासत में ममता बनर्जी की हुकूमत तश्कील दी जाएगी। ममता बनर्जी के 71 मंसूबे अभी बाकी हैं, पूरे मगरी बंगाल में नाफज किया जा रहा है। जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं इन्हें हुकूमत की मदद दी जाएगी। इसे आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस करना पड़ेगा। इसके बाद बीजेपी के एक दर्जन से ज़्यादा मुकामी मेंबरान जिनकी सरबराही में हैप्पी सिंह और अभिषेक सिंह थे ने टीएमसी परचम हाथों में थाम लिया। इस मौके पर शिरकत करने वालों में सुब्रतो भडोरी, टोनू मुखर्जी, हरि यादव, बाला साव, सत्रोहन मंडल, संतोष रवानी, सुनील मंडल, विनो नियोगी, अनोज केसरी और दीगर शामिल थे। आसनसोल में तीसरी बार दीदी के वजीर आला बनने के बाद मोदी इस्तीफा देंगे। अपने भतीजे के बाद सबसे पहले अपने बेटे के बारे में सोचिए। इन लोगों ने 7 साल तक मरकजी हुकूमत के लिए बरसर इक्तदार क्या तरक्की की। बीजेपी यहाँ बंगाल में होगी, इनकी हालत दिल्ली होगी। रियासती तृणमूल के सेक्रेटरी शिवदासन दासू ने ये बातें आसनसोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इन्होंने कहा कि वजीर आजम सिर्फ झूठ के पट्टे बांध रहे हैं और बंगाल में 22 मुलाकातें कर रहे हैं। जिस तरह से वो यहाँ तृणमूल और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आवाम के जरिए ये समझा गया है कि योगी को पहले उत्तर प्रदेश का इक्तदार संभालना चाहिए और फिर बंगाल के बारे में बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार तंद्रूल के लोगों पैसे की पेशकश करके पांडेश्वर में बदमनी फैला रहे हैं, इनसे बीजेपी में शामिल होने को कहा जा रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन जिन्होंने भी काबिले एतराज़ बयान दिया है इन्हें भी उस वाक्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ज़रूरत है, बीजेपी के एक रहनुमा ने कई महीने पहले ही कहा था कि सेंटर कोर भी इस रहनुमा पर गोली चला देगा। मरकजी फोर्सेस की फायरिंग की मजम्मत करने के बजाय वो इसे अपने दफा में फायरिंग का नाम दे रहे हैं। इस दौरान रियासत रियावा तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी बबीता दास भी मौजूद थी। आसनसोल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के आसनसोल शुमाली असेंबली के दरख्वास्त गुजार दानिश अजीज मुस्लिमीन AIMIM के सरबरा अवेसी ने रेलवे के सैताला में हमायती तौर पर मुनक्कदा इज्तमा से खिताब किया। इस दौरान इसने दीदी और मोदी दोनों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तृणमूल 10 सालों से बंगाल में बसर इक्तदार रही है, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने कहा कि दीदी बताएं कितने नौजवानों को आसनसोल में मुलाजिमत दी गई है। दीदी और मोदी एक जैसे हैं, बंगाल में 27% मुस्लिम आबाद है जबकि सरकारी मुलाजिमतों में इनका हिस्सा सिर्फ 6% है। बंगाल की जेलों में कैद 37% लोग मुसलमान हैं। मैं शिटल कोची के वाक्य की मजम्मत करता हूँ, क्या बहन भी अपने खून पर सियासत करेंगी? इन्होंने कहा कि अपना हक की आवाज़ बुलंद करना जुर्म है। नंदीग्राम तहरीक के दौरान जब मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट की टीम आने वाली थी तब इस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दरख्वास्त की थी कि आप लोगों को नाराज़ ना होना चाहिए। इसके बावजूद मैं और मुस्लिम लीग मेंबर पार्लियामेंट वहाब साहब नंदीग्राम आए। आसनसोल में DSA
मंगल के दिन सृष्टि आगाज दिन यानी वैदिक नया साल और आर्य समाज फाउंडेशन डे के मौके पर, चित्रा शुक्ला प्रतिबड़ा मंगल के मौके पर सातवें मॉडल स्कूल आसनसोल के टीपीपी के सहन में खसूसी यज्ञ अनिहोत्रा का अहतमाम किया गया था। मुआशरे की तब्दीली को रोकने और वैदिक मजहब के क्याम से मुल्क को मजहबी मुआशरती और सियासी तौर पर मदद मिली थी। आर्य समाज को फार्मूला बांधने के मकसद से कायम किया गया था। आर्य के लफ्जी माने हैं बुद्धा और आर्य समाज के पूरे माने हैं मतलब शरीफ आदमी का मुआशरा। आर्य समाज कुछ खास उसूलों और कवायद को अहमियत देकर कायम किया गया था। समाजी बहबूद के लिए स्कूल के प्रिंसिपल श्री अमित कुमार दास से मेहमान कल्याणपुर की सातवीं बटालियन के आईपीएस कमांडेंट प्रजित विश्वास की मौजूदगी में सेक्रेटरी लाइफ सेफ्टी आसिम सरकार और संध्या देवी एफपी स्कूल टीचर विनय राजक ने आसनसोल की गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जरूरतमंद 40 बच्चों में लिबास और खाने पीने की अशिया तकसीम की। हर एक बच्चे को तेल, खजूर, बिस्किट, सोयाबीन, मूंगफली, हाथ धोने और साबुन, कॉपियां और पेंसिल तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल के तमाम उसाज़ा भी मौजूद थे। प्रिंसिपल अमित कुमार दास जी ने वहां मौजूद ज़रूरतमंद बच्चों को दाद दी। एक अच्छा शहरी और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इन्होंने आपको कामयाबी की अनमोल चाबी भी बताई। वहाँ मौजूद तमाम लोगों में मुआशरती खिदमत के जज्बे को बेदार करने के लिए इन्होंने बासर अल्फाज में तकरीर की और कहा कि इस तरह की छोटी छोटी ग्रांट स्कूल की तरफ से वक्तन फोक्तन मुआशरती बहबूद के लिए दी जाती रही है और देते रहेंगे। कोलकाता और अहमदाबाद के दरमियान चलाने के लिए खसूसी ट्रेन आसनसोल में मुसाफिरों के इजाफी रश को साफ करने के लिए रेलवे मुकम्मल तौर पर मखसूस कोलकाता और अहमदाबाद के दरमियान खसूसी ट्रेनें चलाएगी। 09413 अहमदाबाद कोलकाता खसूसी ट्रेन हर बुध के रोज़ 9:05 पर 14 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक के दरमियान 3:15 पर कोलकाता पहुँचेगी। ट्रेन 11:47 पर आसनसोल पहुंचेगी और 11:57 पर रवाना हो जाएगी। 09414 कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन हर हफ्ते को 13 अप्रैल 2021 से 1 मई तक के दरमियान कोलकाता से रवाना होगी। ट्रेन 4:02 पर आसनसोल पहुंचेगी और 4:07 पर आसनसोल से रवाना हो जाएगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. आपका बिनाई तभी वाज़े हो सकेगा जब आप अपने दिल का जायज़ा लें। कौन बाहर से देखता है, ख्वाब देखता है जो अंदर नज़र आता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।